खबर है मिर्जापुर से। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल ने कौशिक कन्नौजिया को जिला अध्यक्ष बनाया है। उनके जनपद आगमन पर गोपीगंज को श्रीपट्टी चिल शास्त्री पुल नटवा पुलिस चौकी बथुआतरा बरौंदा कचार भरूना तहसील चौराहा रमई पट्टी और सपा कार्यालय पर आदि जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। पार्टी कार्यालय लोहिया ट्रस्ट पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। नौजवानों की भारी भीड़ उनके स्वागत में नजर आई। बदादरी जिला कार्यालय में आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी भाजपा सरकार की कुरीतियों का ही परिणाम है। भाजपा सिर्फ झूठे दावों और आंकड़ों के सहारे विकसित भारत का सपना दिखा रही है। भाजपा सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया जो आज तक नहीं कर सकी। इस मौके पर स्वागत से अभिभूत समाजवादी लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष कौशिक कन्नौजिया ने कहा कि समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल ने जो हमें जिम्मेदारी सौंपी है उसका मैं बखूबी पालन करता हूं और लोहिया वाहिनी संगठन को नगर के से लेकर ब्लॉक स्तर तक मजबूत बनाने का काम किया जाएगा। आए लोगों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आपके मान सम्मान पर आँच आने नहीं दूंगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम जरूर करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट गुड्डू का। हम अभी नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बने हैं और बूथ अध्यक्ष से काम किए हैं। आज सेक्टर प्रभारी थे, आज जिला अध्यक्ष में बनाया गया है और जिला अध्यक्ष बनते ही हम नौजवानों का कार्यवाही लेके चलेंगे और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी को हम उखाड़ फेंकेंगे। क्या आप मुद्दा कह रहे हैं कि मुद्दे को उखाड़ फेंकेंगे? बेरोजगारी मुद्दा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पीडीए नारा दिए हैं उसमें हम दलित में आते हैं, भी मतलब दलित दलित हैं, हम दलितों का जो शोषण हो रहा है ये हमारा मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। अभी एक मुस्लिम चेहरा जिन्होंने सपा छोड़ दिया, उन्होंने आरोप लगाया कि आप मुस्लिमों का भी साथ नहीं दे रहे हैं, किसी को राज्यसभा में नहीं ले जाएंगे, इसका क्या कहेंगे? अध्यक्ष जी का नेतृत्व होगा जो हम उससे काम करेंगे। अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये राष्ट्र का विषय है। पीडीए के बारे में क्या बताना चाहेंगे? पीडीए के बारे में मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, हम सबको मिला के लेके चल रहे हैं और हम दलित समाज से आते हैं और हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे नौजवान पीडीए के जैसे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सभी मौजूद थे और उनको हम लेके चलेंगे। क्या ऐसे मुख्य मुद्दे रहेंगे आपके? ऐसे जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई और जो दलित ओबीसी एससी पे उत्पीड़न हो रहा है वो सब हमारा मुद्दा रहेगा। युवाओं को लेकर के सर आप क्या बताना चाहेंगे और इस समय युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे जिले में? युवाओं के लिए जो हमें समझ में आएगा वो करेंगे और युवाओं को हम जोड़ेंगे, युवाओं का कारवा लेके चलेंगे। अजय जी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं क्या है? आज हम लोग हमारे कौशिक कन्नौजिया जी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष बन के आए हैं और हमारे जनपद के सभी सम्मानित बड़े नेता लोग और हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ता को जितना लोग थे सब लोग इनका बहुत हृदय से स्वागत किया है और इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे सारे लोगों को साथ लेकर के। भाजपा दावा कर रही है कि सपा के सैकड़ों सभासद भी हैं, पुराने नेता भी आपके हैं, वो सब भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। ये उनका क्या कहें, ये गपोर संघ झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये झूठ बोल करके इसी तरह से माहौल को बिगाड़ने वाले लोग हैं। न समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आज तक कहीं कहीं कोई गया है न कोई आया है और हमारे जो पार्टी में नेता है एक विचारधारा के लोग हैं, वो दूसरे विचारधारा में कभी जा नहीं सकते। जो विचारधारा क्यों है ये इनमें का कहना गलत है, माहौल खराब करने के लिए ये सब बात करने के लिए करते हैं कि बाकी कोई मतलब नहीं। उनको क्या मैसेज देंगे जो गए हैं? जो गए एक विचारधारा कहां जाएंगे, कहां वो कहा जाएंगे वो? सर कुछ तो आप पांडव बता रहे हैं। अरे लोग कह रहे हैं, हम लोग तो यही कह रहे थे, वो तो भाजपा कह रही है सब बात। भाजपा तो सब काम करे तो चाचा कहती है कि हमारे चाचा हैं, हमारे ये हैं, हमारे वो हैं, तो उनके चाचा हो जाएंगे वो। आप अपने को पांडव बता रहे हैं, उनको कौरव बता रहे हैं, इसका क्या? अरे देखे हमें भले काम है, एक एक पर्दे उनका मोर्चा लेने के लिए हम लोग सक्षम है, कुछ नहीं है।